पत्रकारों ने जिला अधिकारी परिसर में सूप बजाओ दरिद्र भगाओ सूप जलाकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया से। पेपर लीक मामले में 30 मार्च से 3 पत्रकार जेल में हैं। वहीं जिले के पत्रकारों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे पत्रकारों ने सूप जलाकर जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में सूप बजाओ दरिद्र भगाओ का नारा लगाते हुए जिला अधिकारी परिसर में चक्कर लगाया। और क्रमिक अनशन पर बैठे पत्रकारों ने जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भाषणबाजी की। वहीं तीनों पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हुए अपनी अपनी विचार व्यक्त की। साथ ही साथ व्यापार मंडल, समाज सेवी, छात्र संघ एवं राज्य कर्मचारी सेवा निर्मित शिक्षक कर्मचारी के अध्यक्ष रामेश्वर नाथ पांडे पत्रकारों की मांग के समर्थन करते हुए अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया। क्रमिक अनशन और धरने के मुख्य रूप से बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार रंजीत मिश्रा, अखिलानंद तिवारी, मधुसूदन सिंह, राणा सिंह, नरेंद्र मिश्रा, अनिल अकेला, मनोज चतुर्वेदी, मनोज राय, आसिफ जैदी, विवेक पटेल, हसन खान, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जमाल आलम, राजू गुप्ता, सनी कुमार, सागर सिंह, राहुल, दर्जनों लोग शामिल रहे। भारत मीडिया के लिए बलिया से हसन खान की रिपोर्ट। मैं मधुसूदन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय मुख्य महासचिव। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया जिला अधिकारी कार्यालय पे? देखिए, बलिया में 30 मार्च से 3 पत्रकारों को जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे हुए हैं और 13 दिनों से हमारे पत्रकार साथी जेल में, हम लोग आंदोलनरत है, 13 दिनों से आंदोलनरत है। और यह आज हमारा क्रमिक अनशन का कलेक्ट्रेट पे दूसरा दिन था। इसी क्रम में हम लोग जिलाधिकारी के सामने सूप बजा के, जिलाधिकारी कार्यालय की परिक्रमा किए हैं सूप बजा के। जैसे दीपावली के पहले हमारे यहाँ घरों की माताएं बहने सूप बजाकर और कहती है कि ईसर पैसस दलिदर भागस, वही कहते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट की परिक्रमा किए हैं कि हे भगवान, यहाँ से दूसरा कोई डीएम आए जो ईश्वर का प्रतिरूप हो, जो न्याय करने वाला हो, और यह जो दलित्र डीएम है यहाँ से जाए। इसके लिए हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने सूप बजा करके और कलेक्ट्रेट का परिक्रमा किया है। ठीक है, खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।